हाय गाइस, व्हाट्स अप। आज का वीडियो है हमारा प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन की इम्पोर्टेंस क्या है और हमें कितना प्रोटीन चाहिए। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटीन है क्या, व्हाट इज़ अ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। क्या है प्रोटीन? एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको। एक पहला कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। तो प्रोटीन भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। जैसे ये तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, ऐसे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे कौन से होते हैं? वाइटामिन्स और मिनरल्स। ये हमें काफ़ी कम क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमें चाहिए 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, ये सब मिलीग्राम में होता है। ये मेनली ग्राम्स में होता है, जैसे कि 70 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मोस्टली इतने इस अमाउंट्स में चाहिए, काफ़ी लार्ज अमाउंट्स में चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। सेकेंड, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। ठीक है, किससे बनता है ये अमीनो एसिड? जैसे कि एक अमीनो एसिड ये रहा, एक अमीनो एसिड ये रहा, एक अमीनो एसिड ये रहा। उसकी पूरी चेन होती है। ठीक है, ये चेन होती है, ये जो बीच में जिनसे जुड़ा हुआ है इसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जिस लिंक से जुड़ा है, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, अराउंड 20 के अराउंड अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, 20 के अराउंड टोटल अमीनो एसिड होते हैं। अब ये तो मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर के बारे में और ये होता क्या है। अब देख लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, क्यों प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ बता देता हूँ आपको। प्रोटीन जो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से डराइव है, ग्रीक वर्ड प्रोटियस से। प्रोटियस से डराइव्ड है, ग्रीक वर्ड प्रोटियस से, ग्रीक वर्ड प्रोटियस से डराइव है। इस वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, कोई ऐसी चीज जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस का जो प्रोटीन का जो नेम है, उस नेम में ही ये चीज छुपी हुई है कि ये चीज हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो हम डाइट खाते हैं उसमें प्रोटीन काफी कम रहता है। यहाँ पे लोग प्रोटीन प्रॉपर तरीके से नहीं खा पाते, सफिशियंट अमाउंट में नहीं खाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटीन का फंक्शन क्या है। सबसे पहला, सबसे बड़ा फंक्शन इसका है रिपेयर करना और मेंटेनेंस करना। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, आपकी बॉडी की नींव, आपकी बॉडी का बेस, सब कुछ यही है। जैसे एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक निकालें तो क्या निकलेगा? ब्रिक निकलेगा। ब्रिक से मिलके बनती है बिल्डिंग। इसी तरह से आपकी जो बॉडी है ना, उसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक का काम है वो प्रोटीन का है। ठीक है, आपका हेयर, आपका स्किन, आपकी आईज, आपकी मसल्स, आपके ऑर्गन्स, ये सारा का सारा आपका प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए आपने देखिएगा जब लोग डाइटिंग करते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंट होती है उनकी डाइट्स, जिसकी वजह से उनको हेयर फॉल होता है, स्किन खराब हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, और बॉडी में बहुत ज़्यादा सैगीनेस आ जाती है, बॉडी बहुत लूज हो जाती है क्योंकि उनको मसल लॉस हो जाता है। और अगर एक्सट्रीम सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाए तो ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, इनफैक्ट हार्ट पे भी स्ट्रेस पड़ जाता है, क्योंकि हार्ट भी आपका मसल है और सारी मसल्स प्रोटीन से बनी है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला इसका फंक्शन है। सेकेंड, बहुत सारे हारमोन्स भी आपके प्रोटीन से बने होते हैं। सबसे बड़ा जैसे मैं बताऊँ एग्जाम्पल, इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में शुगर को रेगुलेट करना। ठीक है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, ये एक हार्मोन है, और ये भी कुछ नहीं है, ये प्रोटीन ही है, प्रोटीन से ही बना हुआ है। फिर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चलती हैं उनको फास्ट कर देते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारा आपकी बॉडी में डाइजेशन होता है, तो उस डाइजेशन में आपका एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, डीएनए जो आपका बनता है उसमें भी रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे, तो उस लेवल पे भी एंजाइम्स का काफ़ी रोल है। तो एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करते हैं, और ये एंजाइम्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये क्या है? एंजाइम्स कुछ नहीं है, ये खुद भी प्रोटीन ही है, प्रोटीन से ही बने हैं, एंजाइम्स भी प्रोटीन ही है। फिर आता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कुछ नहीं है, आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है। तो
तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन ठीक नहीं है तो आपको इन्फेक्शन होगा, बीमार रहोगे आप, जल्दी जल्दी बीमार होगे, ठीक है, डिसीजेस कैच होंगी, बैक्टीरिया वायरस आप पे जल्दी अटैक करेंगे। तो इसलिए जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, कहीं ना कहीं आप अपनी डाइट को चेक करिए कि वहाँ पे प्रोटीन की क्वांटिटी सफिशियंट अमाउंट में है भी कि नहीं है। जैसे ही आप, हो सकता है आपकी डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंट हो, और प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाने से आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ठीक हो जाए और आप बीमार कम पड़े। फिर फाइनली हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन कुछ नहीं होता, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरी होती है उसको ये हेमोग्लोबिन कैरी करता है, ठीक है। आपका रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर आपका हेमोग्लोबिन होता है, ये हेमोग्लोबिन कुछ नहीं है, ऑक्सीजन कैरी करता है पूरी बॉडी में, और ये बनता किससे है, ये भी कुछ नहीं है, ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आपका प्रोटीन ही है, ठीक है। तो एक तरीके से आपकी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है हेमोग्लोबिन, वो कुछ नहीं है, वो प्रोटीन ही है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। ये मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं, पांच और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन ये जो मेन फंक्शंस हैं, मेजर फंक्शंस हैं, ये मैंने आपको लिस्ट की है। तो से एक बात आप कंक्लूड कर सकते हैं, एक चीज तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग गलत तरीके से डाइटिंग करते हैं, और वो डाइट्स प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट होती हैं, सूप सैलेड पे रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, सिर्फ चाय पीते रहते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, एक्सेस कार्डियो करते हैं, इन सब की वजह से, प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट्स की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और इन पाँचों एरिया में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये काफ़ी डेंजरस होता है, लो प्रोटीन डाइट्स काफ़ी डेंजरस होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी डाइटिंग करें प्रोटीन जरूर होना चाहिए डाइट में, ठीक है, इट शुड बी इन सफिशियंट अमाउंट्स। अब सवाल ये उठता है कि कितना प्रोटीन खाना चाहिए, ठीक है, इस पे भी बहुत डिबेट है, कोई कहता है बहुत खाओ, कोई कहता है बहुत कम खाना चाहिए। मैंने जो डेटा लिया है वो, मैंने वो डेटा लिया है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेटा है, ठीक है, साइंटिफिक जो बॉडीज हैं उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट करती हैं। तो अगर आप सेडेंटरी हैं, ठीक है, अगर आप कुछ मूवमेंट नहीं करते, पूरे दिन कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, या बहुत ही हल्का फुल्का मूवमेंट है, अगर आप सेडेंटरी हैं और अगर आप कोई चेंज नहीं चाहते आपकी बॉडी के अंदर, आप चाहते हैं जैसा हूं मैं वैसा ठीक हूं, ठीक है, तो उस केस में आपको 0.8 ग्राम पर केजी के आसपास आपको प्रोटीन चाहिए। इसका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 100 किलो का हूँ, तो मुझे कितना प्रोटीन चाहिए, 0.8 ग्राम पर केजी, तो मेरा निकलेगा पर डे का मेरा प्रोटीन मुझे चाहिए 80 ग्राम्स, ठीक है। अगर मैं सेडेंटरी हूँ और मुझे अपनी बॉडी में कोई चेंज नहीं चाहिए, मुझे कोई फैट लॉस नहीं करना, मुझे कोई मसल गेन नहीं करना, और मैं सेडेंटरी हूँ तो, और अगर मेरा वेट ये है, तो मुझे इतने ग्राम प्रोटीन चाहिए, जो भी आपका वेट होगा उसका 0.8 ग्राम पर केजी चाहिए आपको, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे, और मेजॉरिटी ऑफ लोग जब कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, तो जनरली आप देखेंगे 60 से लेकर 70 ग्राम प्रोटीन, एक मैंने आपको रफ एस्टीमेट दिया है, जनरली लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि जनरली यहाँ लोग सेडेंट्री हैं, कोई ऐसा एक्सरसाइज वर्कआउट यहाँ लोग करते नहीं हैं, तो उस केस में आपको लगभग इतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। एक्यूरेटली निकालना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, 0.8 ग्राम पर केजी, ठीक है, जनरली ये इसके आसपास आता है, 60 से लेकर 70 ग्राम के आसपास, क्योंकि मोस्टली यहाँ लोगों का वेट, विमेन का 60 केजी के आसपास है, मैन का 70 और 75, 70 से लेके 80 केजी के आसपास है, ठीक है। तो इस हिसाब से जब आप कैलकुलेट करोगे 0.8 ग्राम पर केजी इस कैटेगरी में, तो जनरली ये इसके मोटा मोटा आसपास आएगा। तो ये तो केस था जब आप सेडेंटरी हैं, लेकिन अगर आपका गोल है कुछ, जैसे आपको बॉडी में फैट लॉस करना है, ठीक है, वाइल प्रिजर्विंग लीन मास, ठीक है। लीन मास क्या है, लीन मास वो मास होता है जब बॉडी का जो फैट हटा दोगे तो बचा हुआ जो मास होता है वो लीन मास होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी का वेट है 100 किलो और आपका बॉडी का फैट परसेंटेज है 25%, तो आपका बॉडी का फैट का वेट कितना हो गया, आपका बॉडी का फैट हो गया 25 किलो। तो अब जब इस बॉडी वेट में से 100 में से जब आप फैट का वेट माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ वेट होगा वो होगा लीन बॉडी वेट। इस केस में कितना हो गया, 100 माइनस 25, यानी कि 75 केजी, ठीक है। तो लीन बॉडी वेट वो होता है
जब हम बॉडी वेट में से फैट का वेट माइनस कर देते हैं तो बचा हुआ जो वेट होता है वो लीन बॉडी वेट होता है। ठीक है, तो अब वापस इस चीज़ पे आते हैं कि अगर आपका गोल है बॉडी में से फैट को लूज करना, लेकिन साइमल्टेनियसली आप चाहते हैं कि आपका लीन बॉडी वेट है वो प्रिजर्व रहे, ठीक है, हमें इस वेट को प्रिजर्व रखना है, हमें लीन बॉडी वेट को प्रिजर्व रखना है। मोस्टली लीन बॉडी वेट में आपका मसल्स, आपका बोन्स, ऑर्गन्स, इन सब का वेट आता है। ठीक है, तो ये वाला वेट आपको प्रिजर्व करना है, मतलब ये वाला वेट आप चाहते हैं कम ना हो, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका बॉडी का फैट कम हो जाए। तो अब इस केस में आपको कितना प्रोटीन चाहिए? आपको चाहिए इतना प्रोटीन, ठीक है, 1 से लेके 1.5 ग्राम पर केजी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपका बॉडी वेट 70 किलो है और आपका गोल है फैट लॉस करना, तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए? इसके हिसाब से आपका प्रोटीन निकल जाएगा 70 ग्राम से लेके 100 के आसपास के बीच में, ठीक है, 100 या 110 ग्राम्स के आसपास। ठीक है, तो इतने इस रेंज के बीच में आपका फॉल करेगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्यूरेटली। ठीक है, तो अगर आपका गोल फैट लॉस है तो आपको इस इतना इसके आसपास प्रोटीन चाहिए। अब एक थर्ड कैटेगरी भी है, थर्ड कैटेगरी है जो लोग एथलीट हैं या जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, हाईली एक्टिव हैं, तो अब उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी हो जाती है? 1.5 से लेके 2.2 ग्राम पर केजी। ठीक है, तो इसका मतलब बनेगा, जैसे अगर आपका वेट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, आपका वेट मान लीजिए 50 है, ठीक है, तो 50 किलो है और आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए? आपको फिर अराउंड प्रोटीन चाहिए 75 से लेके, ठीक है, समवेयर अराउंड 120 ग्राम्स। जब आप 50 को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 और ये इस रेंज में, तो ये इतने के आसपास फॉल करेगा। ठीक है, तो ये तब है जब आप इस कैटेगरी में हो। तो ये मल्टीप्लायर्स मैंने आपको दे दिए हैं, आप अपने वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है? कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, क्या आप सेडेंटरी हो, या आपको आपका गोल फैट लॉस है, या आप बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हो, दिन में 1.5 2 घंटे 3 घंटे एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, एथलीट टाइप की कैटेगरी में हो, काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्टिव हो, तो उस केस में आपको प्रोटीन ये वाला चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। जब आपने कैटेगरी डिसाइड कर ली, फिर आप अपने वेट के हिसाब से ये मल्टीप्लायर यूज कर सकते हो। ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूं, एक एक्सेप्शन है इन तीनों चीजों में, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये तीनों केसेस में ये मान के चला जाता है कि जो बॉडी वेट है इंसान का बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं है। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा एक्सेस में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, ठीक है, और मेरा बॉडी वेट है 75 केजी, ठीक है, तो अब ये मेरा जो वेट है ये नॉर्मल है, लेकिन अगर 6 फीट हाइट पे मेरा वेट होता 140 केजी, ठीक है, तो मैं ये वाले फॉर्मूले यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? अगर मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हूं, अपनी जो मेरी हाइट है उसके हिसाब से जो मेरा वेट होना चाहिए, अगर मैं अपनी हाइट के हिसाब से जितना मेरा वेट होना चाहिए उसके आसपास हूं, तो ये फॉर्मूले मैं यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हूँ, बहुत ज्यादा एक्सेस में मेरी बॉडी में वेट है, तो उस केस में वो वाला वेट यूज नहीं किया जाएगा, एक्सेस बॉडी वेट जितना आपका होना चाहिए वो वाला वेट यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 140 किलो के हैं और आपका आपकी हाइट 6 फीट है, ठीक है, और आप सेडेंटरी हैं, तो अब इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको ये लेना है, इस कैटेगरी में फॉल करते हो आप, लेकिन आप 140 से 0.8 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आपका होना कितना चाहिए? आपका वेट होना चाहिए 6 फीट पे 75 किलो के आसपास, तो आप मल्टीप्लाई इस केस में भी 75 से ही करेंगे। ठीक है, 140 से आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेट है, इतना, ये जो तीनों केसेस में जो वेट लिया गया है ये एक लगभग आइडल बॉडी वेट के आसपास का वेट होता है। ठीक है, अगर तो मतलब कहने का समरी में ये बोलूंगा कि अगर आपका वेट बहुत एक्सेस में है, ठीक है, ज़्यादा वेट है, जितना हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए, अगर आप उससे काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उस केस में आप वो वाला वेट मत यूज़ करिएगा, जितना एग्जैक्ट आपका होना चाहिए वो वाला वेट यूज़ करिएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, ये तो डिसाइड कर लिया प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, कितना प्रोटीन चाहिए ये डिसाइड हो गया। अब आता है कि प्रोटीन ले ले कहाँ से, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या है। देखिए सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है मिल्क, पनीर, कर्ड, दही, दालें, अलग अलग टाइप के दालें जितने भी हैं, अरहर की है, मूंग की है, मसूर की है, अलग अलग जितनी भी दालें हैं, ठीक है, ये सब गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। नट्स, नट्स में आपका आ गया बादाम आ गया, आपका काजू आ गया, आपका पीनट आ गया आपका, ये सारे गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। चिकपी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, चिकपी में जैसा आपका काला चना है, काबुली चना जैसे वाइट चना बोलते हैं, ये सारे जितने भी इस टाइप के हैं सब बहुत अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सोयाबीन, सोयाबीन की दाल आती है वो आप खा सकते हैं। फिर चिकन है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन खा सकते हैं, लीन पीस खा सकते हैं रेड मीट के। अच्छा मैं बता दूं, रेड मीट में इतनी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उसका लीन पीस खाएं, ठीक है, उसका सारा फैट हटा दें, उस केस में अगर आप एक मॉडरेट क्वांटिटी में रेड मीट खाते हैं तो उतनी टेंशन नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप रेड मीट खाते हैं और फैटी पोर्शन रेड मीट खाते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न, वो एक टेंशन वाली बात है, ऐसे मत करिएगा। लेकिन अगर आप कभी कभार खाते हैं और आप लीन पीस खाते हैं, फैट हटा के खाते हैं, तो उतनी कोई टेंशन नहीं है, आप खा सकते हैं। फिर फिश, फिश इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग्स बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और इसको येल्लो के साथ ही खाइएगा, कोलेस्ट्रॉल की टेंशन मत लीजिए, कोलेस्ट्रॉल डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो होल एग्स आप खा सकते हैं, होल ग्रेन्स काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जैसे आजकल आ गया आपका ये मार्केट में किनुआ है, ठीक है, ये हो गया, ओट्स है, राइस है, वीट है, सब इन सब में प्रोटीन होता है, आपके होल ग्रेन्स को यूज़ करिए। फिर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती है, देखिए मैं फिर बोल देता हूँ, पहला आपका प्रेफरेंस होना चाहिए कि आपको प्रोटीन अपना होल फूड्स के थ्रू लेना चाहिए, ठीक है, नेचुरल और होल फूड्स के थ्रू आपको अपना प्रोटीन का इंटेक पूरा करना चाहिए। अगर होल फूड से आपका प्रोटीन का इंटेक पूरा नहीं होता है तब आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे आइएगा, ठीक है। प्रोटीन सप्लीमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये यह है कि लोग होल फूड्स पे फोकस नहीं करते। तो पहला फोकस आपका होल फूड्स पे होना चाहिए, अगर आपका होल फूड से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है तो डेफिनेटली आपको किसी प्रोटीन सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर होल फूड से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही है तो सिर्फ तभी उसी केस में प्रोटीन सप्लीमेंट के ऑप्शन की तरफ जाइएगा, अदरवाइज आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो एनिमल प्रोटीन होता है, ठीक है, इसकी जो क्वालिटी होती है वो प्लांट प्रोटीन से थोड़ी बेटर होती है, ठीक है, इसकी क्वालिटी प्लांट प्रोटीन से बेटर होती है, ठीक है, एनिमल प्रोटीन की क्वालिटी प्लांट प्रोटीन से बेटर होती है। ये एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से होता है, इसका रिटेंशन अच्छे तरीके से होता है, और इसमें बहुत सारे काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में जो क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोटीन है वो बेटर है प्लांट प्रोटीन से, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं या अगर आप वीगन हैं तो आप बॉडी नहीं बना सकते, ये बिल्कुल ही मिथ है, ठीक है। अगर आप वीगन हैं और वेजिटेरियन हैं आप बॉडी बना सकते हैं और बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हैं, लेकिन उस केस में थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है कि आपको डाइट किस तरीके से डिज़ाइन करनी है। यू नीड अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, आपको वेराइटी ऑफ सोर्सेज चाहिए, ठीक है, उस केस में आपको काफ़ी वेराइटी ऑफ सोर्सेज चाहिए और आपको कुछ सप्लीमेंटेशन भी चाहिए। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप वीगन हैं या वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा सा एक एक्सपर्ट गाइडेंस में ही डाइट को करिएगा, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि अगर आप वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं तो आप बॉडी नहीं बना सकते, ये बिल्कुल ही मिथ है। अगर आप वेजिटेरियन हैं या आप वीगन भी हैं तो भी आप बहुत अच्छी हेल्थ, फिजिक, फिटनेस सब मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप एनिमल प्रोटीन के साथ प्लांट प्रोटीन को भी मिक्स करिए, क्योंकि प्लांट प्रोटीन के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो हाई होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, ठीक है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए कुछ आपकी डाइट में प्लांट एनिमल प्रोटीन होना चाहिए और कुछ आपकी डाइट में प्लांट प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, आइडियली कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके पास इसके ऑप्शंस ज़्यादा होने चाहिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप इसको इजीली खा सकते हो और थोड़ा इसको उससे कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करिएगा कभी भी अपना जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस मत करिएगा, कोशिश करिएगा कि डिफरेंट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन
प्रोटीन होना चाहिए आपकी डाइट में, ठीक है? सब मतलब इन सब में से आप चूज करिएगा, इन सबको अलग अलग करके कंबाइन करिएगा। ये नहीं कि आप पूरे दिन सिर्फ दूध ही दूध पिए जा रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं 2-2 लीटर 5-5 लीटर दूध पीते रहते हैं पूरे दिन, ये मत करिएगा, ठीक है? या अंडे खा रहे हैं तो 12-12 अंडे 20-20 अंडे ही खाए जा रहे हैं और कोई प्रोटीन का सोर्स ही नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन को कंबाइन करना चाहिए, ठीक है? और कोशिश करिएगा कि थोड़ा आप इससे लें और थोड़ा आप इससे लें, क्योंकि इन दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। एनिमल प्रोटीन का अपना बेनिफिट है, प्लांट प्रोटीन का अपना बेनिफिट है, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आपको कंफ्यूजन है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक किसी एक्सपर्ट डाइटिशियन के पास या एक्सपर्ट किसी फिटनेस एक्सपर्ट के पास जाइए, ठीक है? जिसको नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट के बारे में और जो साइंस और एविडेंस बेस्ड हो, ताकि आपको सही डायरेक्शन में एक डायरेक्शन मिल पाए और आप एक अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रख पाए। तो गाइज ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।